नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने बहुत सारे कार्टून यहाँ दिखाने का प्रयास किया है और ये सब्जेक्ट है ऊर्जा, एनर्जी। विश्व के तमाम देश जो आज विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, डेवलप्ड कंट्री कहे जाते हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का जो फासला है वह है संसाधन, और संसाधन में ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पूर्व की स्थिति में जो व्यापक परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों में ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम इसी ऊर्जा को आज के डिस्कशन, आज के विचार मंच के इस प्रोग्राम में अब आपके सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे। क्या व्यू है, तो मेरे विचार को कुछ इस तरह से देखने का प्रयास करेंगे आप। लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण कई समस्याओं की वजह बन रहा है। इसमें कार्बन उत्सर्जन में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, परिणाम स्वरूप विश्व तापमान में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। हिमालय से लेकर अंटार्कटिका तक बर्फ की पिघलती चादर ने मानव जीवन के समक्ष गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इन सब के पीछे जीवाश्म ईंधनों के अतिशय प्रयोग को महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं पर्यावरण ही नहीं, मानव सभ्यता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। खास बात यह है कि जीवाश्म ईंधन के स्रोत जहां सीमित हैं, वहीं से ये अक्षय ऊर्जा संसाधनों के मुकाबले पर्यावरण को कई गुना अधिक प्रदूषित करते हैं। इन परिस्थितियों में हाइड्रोजन ऊर्जा को भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। आपने उन कार्टूनों को देख लिया होगा, समझ लिया होगा, तो हम अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हैं तो और इन कार्टूनों का मजा भी आप लेते रहें। वर्तमान परिस्थितियों में हाइड्रोजन ऊर्जा की उपयोगिता को देखते हुए विश्व के कई विकसित और विकासशील देशों ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। दुनिया की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियां ये अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली कारें बना रही हैं। वे इस दिशा में व्यापक निवेश कर रही हैं। दरअसल हाइड्रोजन फ्यूल सेल हवा और पानी में किसी तरह के प्रदूषक तत्व नहीं छोड़ते हैं। इसमें उत्प्रेरक शक्ति के लिए हाइड्रोजन का उपयोग होता है। एक बार टैंक फुल होने पर हाइड्रोजन कारें 400 से 600 किलोमीटर तक चल सकती हैं। यही नहीं, इन वाहनों को 5 से 7 मिनट में रिफ्यूल भी किया जा सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक कारों को पूरी तरह चार्ज होने में 12 घंटे से अधिक समय लग जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन का उपयोग होता है। हाइड्रोजन के दहन से कोई प्रदूषण भी नहीं होता। हाइड्रोजन ऊर्जा हमारे लिए राजस्व की बचत का भी माध्यम बन सकती है। ऊर्जा के इस अक्षय स्रोत का जितना अधिक उपयोग बढ़ेगा, उसी अनुपात में तेल आयात को कम करने में मदद मिलेगी। अगर पिछले कार्टूनों का आपने मजा ले लिया हो तो अब हम अगले कार्टून की तरफ मजा लिए, तब तक आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में दस्तक दे रही इस नई क्रांति को समझने के लिए इसके तकनीकी पहलुओं के साथ इसके विकास एवं अनुप्रयोग से जुड़ी पृष्ठभूमि को भी समझना होगा। कोयले की जगह पानी ही भविष्य में ऊर्जा का आधार बनेगा। 1874 में इस सिद्धांत को प्रमाणित करने वाले जूल्स वर्न अब दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस हाइड्रोजन ऊर्जा का सपना उन्होंने देखा था, उस दिशा में दुनिया की कई आर्थिक महाशक्तियां कदम बढ़ा रही हैं। आज स्पेस शटल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के जरिए ही उत्प्रेरक ऊर्जा उपलब्ध कराई जाती है। इससे पानी के रूप में स्वच्छ सह उत्पाद तैयार होता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री जल के रूप में भी करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की आप बैटरी से भी तुलना कर सकते हैं। जर्मनी जैसे देशों ने भी इस्पात उत्पादन में कोयले के स्थान पर हाइड्रोजन ऊर्जा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है।
वहां रेलवे परियोजनाओं में भी हाइड्रोजन ऊर्जा के अनुप्रयोग बढ़ रहे हैं। वहां हाइड्रोजन बसें तो काफी समय से सड़कों पर सरपट दौड़ रही हैं। आर्थिक संगठनों के मुताबिक 2050 तक हाइड्रोजन ऊर्जा का बाजार 2.5 खरब डॉलर होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से भारत में एनर्जी की जो कंडीशन है ग्रामीण भारत में उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। आप इसको देखें, समझें और तब तक हम अपने आगे के वाचन को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। एक ग्रामीण भारत की तस्वीर आपको देख सकती है, वहाँ पर एनर्जी की क्या कंडीशन है, डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या अंतर है, शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन के बीच में किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसमें किस तरह की स्थितियाँ उनके सामने बनती हैं। तो भारत के संदर्भ में बात करें तो विगत कुछ वर्षों में जिस तेजी से हम अक्षय ऊर्जा के वैश्विक केंद्र बनकर उभरे हैं उसे देखते हुए हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाना होगा। तो आपने देखा कि हम किस तरह भारत ने तमाम क्षेत्रों में प्रगति की है, साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमने जो प्रगति की है उसके बहुत सारे आयाम देखने को मिल रहे हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो विगत कुछ वर्षों में जिस तेजी से हम अक्षय ऊर्जा के वैश्विक केंद्र बनकर उभरे हैं उसे देखते हुए हाइड्रोजन ऊर्जा का उत्पादन की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाना होगा। सरकार ने इस संदर्भ में बहुत सारे कार्य भी किए हैं। अब स्लाइड के जरिए हम लोगों ने ये दिखाने का प्रयास किया कि वास्तव में एनर्जी की जरूरत क्यों है और इसका उसको देखते रहें और सुनते भी रहें। तो दोनों काम आप साथ साथ कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो आप ध्यान से देखते रहें और सुनते रहें और समझते भी रहें, चित्र का भी आनंद उठाते रहें। तो भारत इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑन हाइड्रोजन इकोनॉमी IPHE के संस्थापक सदस्यों में शामिल है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 19 है, 19 है, 19। भारत ऊर्जा क्षेत्र को लेकर हमेशा से प्रयोग धर्मी रहा है। भारत का लक्ष्य है कि 2026-27 तक घरेलू ऊर्जा डोमेस्टिक एनर्जी में 43% हिस्सेदारी 43% हिस्सेदारी जो है अक्षय ऊर्जा की हो। इसके लिए विगत वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने $28 करोड़ से भी अधिक बजट का आवंटन किया है हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए। भारत ऊर्जा से अंत्योदय के जिस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, वहां हाइड्रोजन ऊर्जा का आधार इसलिए भी बन सकती है क्योंकि हमारे यहां कृषि अपशिष्ट और रिसाइकिल किए जाने योग्य कचरे की पर्याप्त उपलब्धता है। तो भारत में ऊर्जा की जो तमाम संभावनाएं हैं और हम ऊर्जा की जरूरतें क्यों, हमको वास्तव में इसकी जरूरत क्यों है, इसके ऊपर ये स्लाइड आप देख सकते हैं। तमाम तरह का जो डिफरेंसेज है और क्यों हमको वास्तव में जरूरत है इसकी, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं, फिजिक्स कहता है। इसलिए हम अपनी बात को फिर हम आगे पुनः आगे बढ़ाते हैं। तो यदि हम किसी कृषि कार्य से निकले अवशिष्ट और अन्य बायोमास का प्रयोग हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पन्न करने में कर सकें तो यह ऊर्जा के एक नए युग का सूत्रपात होगा। हमारे यहाँ इस्पात उत्पादन के लिए आयातित कोयले पर निर्भरता अधिक है। केंद्र सरकार इस दिशा में प्रयासरत है कि इस्पात उत्पादन के लिए गैस आधारित उत्पादन को बढ़ावा मिले। इसी के समानांतर हाइड्रोजन भी इस्पात उत्पादन के वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोगी हो सकता है। विश्व के कई देशों में हाइड्रोजन ऊर्जा नागरिक उड्डयन से लेकर जलयानों और कम दूरी के परिवहन का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रही है। भारत यदि उड़ान जैसी योजनाओं के जरिए घरेलू नागरिक उड्डयन क्षेत्र को विस्तार देना चाहता है तो उसके लिए महंगे एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की जगह हाइड्रोजन ऊर्जा टिकाऊ ईंधन स्रोत बन सकती है। लेकिन इसके लिए इस दिशा में व्यापक निवेश की आवश्यकताओं को नकारा नहीं जा सकता। हाइड्रोजन ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम हाइड्रोजन स्टेशन की श्रृंखला खड़ी करनी होगी।
सुरक्षा मानकों को पूरा करते हुए यदि हम इस दिशा में ठोस कदम उठा पाएं तो पर्यावरण संरक्षण के साथ भारत के लिए आर्थिक तरक्की का नया द्वार हाइड्रोजन ऊर्जा के माध्यम से खुलेगा। इससे ग्रीन हाउस गैसों में कटौती का वह लक्ष्य भी पूरा होगा जिससे न सिर्फ हमारी वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन स्तर सुधरेगा। तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में जो तमाम प्रयास और जिसकी जो तमाम संभावनाएं हैं उसको आपने अभी देखा, और संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बहुत सारा काम किया है। उन्होंने वर्ल्ड सोलर अलायंस बनाया और ये तमाम जो चित्र आप आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो ऊर्जा के क्षेत्र में उनके द्वारा जो भी योगदान दिया गया विभिन्न मंचों पर उस की एक तस्वीर है। तमाम तस्वीरें हैं आप जिसको मैं साझा कर सकता हूं, और जल्द से ले लें तब वीडियो लंबा भी ना हो और आप एक झलक ले लें। देखिए तमाम विश्व के तमाम देश के नेताओं के साथ वो वेबिनार भी कर रहे हैं इस COVID-19 में, तो मिल रहे हैं और एक दूसरे के विचारों को शेयर कर रहे हैं और जानने का अवसर कोई भी खोना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के, तो इस तरीके से हमने ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी अपने विचार रखे उसी तरह हम फिर किसी अगले विषय महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपने विचार रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।